लेसन नंबर 12। अब हम स्टडी करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये खास टाइप का मैट्रिक्स है, इसको हम एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सपोज करते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। अगर हम ए का लेते हैं ट्रांसपोज और वो सेम वही मैट्रिक्स रह जाता है, यानी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो ए ही रहता है, तो हम कहते हैं कि ये ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी ए ट्रांसपोज अगर ए की इक्वल आ जाए, ए सिमेट्रिक। बी ट्रांसपोज अगर बी की इक्वल आ जाए, बी सिमेट्रिक। सी ट्रांसपोज अगर सी की इक्वल आ जाए, सी सिमेट्रिक। डी ट्रांसपोज अगर डी की इक्वल आ जाए तो डी सिमेट्रिक। यानी कोई भी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? कोई भी मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांसपोज लें, अगर वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, सेम मैट्रिक्स, तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है। एग्जांपल देखते हैं इसकी। लेट्स सपोज हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है अगर मैं ए के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करता हूं, अभी मैं इसको ऐसा करूंगा कि जो पहली रो है इसको पहला कॉलम बना दूंगा 1, 2, 3, और जो दूसरी रो है उसको मैं दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, और जो तीसरी रो है इसको मैं तीसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इसका मतलब ही हुआ कि दोबारा ए जो है वो इक्वल है ए ट्रांसपोज के। वजह ये है इसका ऑर्डर 3x3, इसका भी ऑर्डर 3x3, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, इस तरह से ये वाला एलिमेंट जो है इसके इक्वल है, सारे एलिमेंट जो हैं आपस में इक्वल हैं। तो यहां से हमने ये बात देखी कि ए का ट्रांसपोज अगेन ए आ गया, सो ए इज ए सिमेट्रिक। लेकिन अगर एक और एग्जांपल देखी जाए, फॉर एग्जांपल एक बी मैट्रिक्स है 2-1, 3, 1-2, 1, 3-2, 3, तो यहां से अगर मैं इसका बी ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लूं, ये देखें ये पहली रो है, ये पहला कॉलम बन जाएगा 2, 1, 3, ये दूसरी रो है दूसरा कॉलम, ये तीसरी रो है तीसरा कॉलम। तो यहां से आप देख सकते हैं B इज नॉट इक्वल टू B ट्रांसपोज, दोनों डिफरेंट है। यहां पर देखें ये एलिमेंट तो चलो सेम है, बट 1 इधर है और यहां -1 है, इसके अलावा देखें यहां -1 है और यहां 1 है, तो ये एलिमेंट्स हमारे पास इक्वल है नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक। बी इज अ नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस लेसन में हमने ये देखा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और उसको हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं और कब जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक नहीं होता। सादा अल्फाज में,
कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिया जाए, अगर वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो वो सिमेट्रिक है, अगर वो वापस ना आए तो वो सिमेट्रिक है नहीं है। थैंक यू।